कल्पना एंड बिलाल पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, मतलब रेशियो अपने को क्लियरली मेंशन करके दिया है। विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब सबसे पहले आइटम्स ट्रायल बैलेंस में आ जाओ, स्टॉक दिया है तो दिस विल बी बाय ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, पेटेंट्स असेट, सन्ड्री डेटर्स असेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इट इज अज्यूम दैट वो ओपनिंग स्टॉक है मेरा। ट्रेडमार्क असेट, बिल रिसीवेबल असेट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट के सारे आइटम्स की पोस्टिंग हो गई। नाउ मूव टू क्रेडिट बैलेंस। पहला दिया है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, अदर लोन लायबिलिटी, रिजर्व फंड लायबिलिटी, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा तो ही हम लोग उसको पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स रिजर्व फंड को लायबिलिटी में रहने दो एज अ फाइनल अकाउंट सम। सेंट्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस, आरईडीडी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। अगर इसमें से जितने आइटम्स आपके राइट है सब पे आप अगर मान लो आधा आधा मार्क्स भी दे दिया तो उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो कि मेरे को कितना मार्क्स मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली। नाउ एडजस्टमेंट वाले पार्ट पर आते हैं बेटा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 24,000, मार्केट प्राइस 34,000। तो हमने हमेशा से सीखा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस। तो जो कम रहेगा वो उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, 24,000 को। आर कस्टमर भद्रेश फेल टू पे हिज ड्यू ऑफ 1,600। एक कस्टमर था जिसका नाम भद्रेश था, है ना, उसने 1600 रुपए अपने का डेब्ट्स नहीं दिया है, मतलब इसको हम लोग कंसिडर करेंगे बैड डेब्ट्स। ब्रैकेट में लिखो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट ब्रैकेट में लिखो बैड डेब्ट्स, और डेटर्स और बैड डेब्ट्स दोनों पे टिक मार्क कर दो। डेटर्स और बैड डेब्ट्स दोनों पर क्या करो, टिक मार्क कर दो। आगे 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स के ऊपर टिक मार्क कर दो। अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर 10,000 इज परचेज ऑन 1st October, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करो। इट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्नीचर कि हमने नया फर्नीचर कब खरीदा है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन देने का मेन इंटेंशन क्या है कि जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तब हमको ये फर्नीचर पे हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर दोनों पर टिक मार्क कर दो। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पर टिक मार्क आ जाएगा। एंड लास्ट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 3%, तो भाई साहब कैपिटल पे टिक मार्क है। नाउ मूव टू पोस्टिंग वाला पार्ट। पोस्टिंग वाला पार्ट करने से पहले कंपलसरी आइटम्स लिख के ले लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो देर आर 6 कंपलसरी आइटम्स, ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, परचेस माइनस परचेज रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, देर आर 4 कंपलसरी आइटम्स, 2 बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी,
क्रेडिट में जाके क्या लिखने का, बाय ओल्ड आरडीडी डिफिकल्टी। आगे जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, दो कंपल्सरी आइटम आएंगे, डेबिट में आएगा ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको कैपिटल दिखाता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा कैपिटल अकाउंट एंड दोनों पार्टनर्स का नाम कल्पना और बेला। नाउ कम टू बैलेंस शीट असेट साइड, थ्री कंपल्सरी आइटम्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कंपल्सरी आइटम्स लिख के ले लेने का ताकि टेंशन नहीं आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं अभी सब। पहला दिया है स्टॉक ऑन 1st अप्रैल 2019। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे ये कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 17,120। नाउ कम टू पेटेंट्स, क्या पेटेंट्स पर कोई टिक मार्क है? No. तो असेट साइड में इनर कॉलम पेटेंट्स हाउ मच, 4,000 इनर कॉलम टिक मार्क है इसीलिए। नेक्स्ट आता हूं सन्ड्री डेटर, क्या सन्ड्री डेटर पर टिक मार्क है? हाँ। और कितना टिक मार्क है, एक ही या दो? हाउ मच, 37,000 इनर कॉलम। एक एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इट इज अज्यूम दैट ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। हाउ मच, 6,000 ठीक है, इसको हमने क्या कंसीडर किया है, ओपनिंग स्टॉक। सर अगर ये क्लोजिंग स्टॉक होता तो असेट में आता था, ठीक है। तो हम लोग ने अजम्पशन लिया कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। क्लियर। ट्रेडमार्क असेट, कोई टिक मार्क है क्या ट्रेडमार्क पे? देखो कितना, 4,000। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल, कोई टिक मार्क है क्या? बिल्स रिसीवेबल हाउ मच, 12,600। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हाउ मच, 2,900 नो एडजस्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी पे एडजस्टमेंट है, ओके इनर कॉलम, ओके। नेक्स्ट बोलो वेजेस, कोई एडजस्टमेंट है क्या? आउट इनर कॉलम कितना, 1,900। नेक्स्ट बोलो हीटिंग एंड लाइटिंग, कोई टिक मार्क है क्या? कोई टिक मार्क है क्या? आउटर कॉलम कितना। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड हाउ मच, 1,700। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा हाउ मच, 800। नेक्स्ट कोई टिक मार्क है क्या, इनर कॉलम लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच, 44,000। नेक्स्ट फर्नीचर, टिक मार्क है क्या? हाँ फर्नीचर हाउ मच, 26,000। वो डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्टमेंट दिया, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक कितना, 10,000। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट असेट, इन्वेस्टमेंट 15,000। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड कल्पना का और बेला का 1,800। उसके बाद बैड डेट्स 400, कंपल्सरी आइटम्स में आ गया वो सब कुछ, टेंशन नहीं। और परचेसेस 47,400 डिफिकल्टी। डेबिट साइड के सारे आइटम्स की हम लोगों ने क्या कर दिया, पोस्टिंग, या तो वो डेबिट में गया या फिर वो असेट में गया। नाउ मूव टू क्रेडिट, क्रेडिट का क्रेडिट में आएगा नहीं तो लायबिलिटी।
चलो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले दिया है, तो कल्पना का कैपिटल कितना है 80 एंड बेला का 40,000। ओके आगे बोलो। अदर लोन, अदर लोन कहां पर आएगा, लोन बोला है तो सीधी सीधी लायबिलिटी में आएगा, हाउ मच 6,000। नेक्स्ट बोलो रिजर्व फंड, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया इसलिए सीधा सीधा उसको लायबिलिटी में डालेंगे, रिजर्व फंड हाउ मच 2,000। नेक्स्ट बोलो सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच 35,000, कोई टिक मार्क नहीं है। उसके बाद बिल्स पेबल कितना 10,000। नेक्स्ट बोलो परचेस रिटर्न कितना बोलता है 2,000, तो 47 में 2 गया तो कितना जाएगा 45,400। आरडीडी, ओल्ड आरडीडी 1,000। नेक्स्ट सेल्स 60,400 माइनस करो कितना आता देखो 59,600। ओके नेक्स्ट इंटरेस्ट, तो क्रेडिट का इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट अमाउंट 620। डिफिकल्टी सारे आइटम्स को हम लोगों ने क्या कर दिया फिलहाल पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ये डेबिट साइड में दिया है, अगर मैं इसको ओपनिंग स्टॉक कंसिडर करूंगा तो प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में आएगा, और अगर मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर करूंगा तो ये मेरा असेट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स आर एजम्पशन कि हम लोग उसको क्या कंसिडर करते हैं, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। मैं ओपनिंग कंसिडर कर रहा हूँ, आप लोग उसको क्लोजिंग कंसिडर करोगे तो भी चलेगा, बैलेंस शीट टैली होने वाली है, बैलेंस शीट में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का आइटम समझ में आया, अजम्पशंस के ऊपर आ गया। नॉर्मली बैलेंस शीट के अंदर जो भी स्टॉक दिया होता है ना, या स्टेशनरी का स्टॉक या किसी का भी स्टॉक, अगर वो बैलेंस शीट के अंदर ही दिया है तो उसको ओपनिंग स्टॉक कंसिडर किया जाता है, अनटिल एंड अनलेस उसमें ट्रेडिंग ना बनाया हो। किसी किसी सब में देखा रहेगा जहाँ पर ट्रेडिंग नहीं बनाने बोलता है, इन दैट केस ट्रेडिंग नहीं बनाने बोला था, जो वहाँ पर जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है। यहाँ पर ट्रेडिंग भी बोला बनाने के लिए, पीएनएल भी बनाने बोला, इसलिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक कंसिडर किया है। नाउ कम टू एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में आ जाओ बेटा, क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक ऑन 31st March 2020 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 24,000 एंड मार्केट प्राइस 34। तो बेटा 24 रिकॉर्ड करूंगा कि 34 करूंगा, इसको क्या करने का, कॉस्ट प्राइस 24,000 मार्केट प्राइस 34,000, बट आउटर में क्या लिख देगा 24,000। रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, विच एवर इज लेस दोनों में जो छोटा रहेगा उसी को बाहर लिखने का, और जो सेकेंड इफेक्ट है उसको 24,000 का ही सेकेंड इफेक्ट आएगा। यहाँ पे हम लोग खाली शो कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस इसका इतना है, मार्केट प्राइस इतना है, विच एवर इज लो, तो मैंने 24,000 को बाहर लिखा है, समझा। प्लस माइनस नहीं कर रहे हम लोग, हम लोग सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 24 है, मार्केट प्राइस 34 है, विच एवर इज लेस, तो 24,000 आउटर में लिख दिया मैंने, क्लियर। नेक्स्ट बोले क्या बोलता है, आर कस्टमर भद्रेश फेल टू पे हिज डेब्ट ड्यूज ऑफ 1,600। तो मैंने बताया कस्टमर है जिसके पास 1,600 रुपए आने का था, वो पैसा नहीं दे सकता, इज अनेबल टू पिक द पेमेंट, सो इसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, बैड डेब्ट्स। सर बैड डेब्ट्स कितना आएगा 1,600, चलो माइनस करके दिखाओ, बताओ कितना आएगा 35,400, कितना आएगा 35,400, माइनस करके देख लो जरा कितना आता है, 35,400 आ रहा है क्या, हाँ वहां से माइनस किया तो यहां पर आके क्या आएगा प्लस। सर वो बैड डेट्स एडजस्टमेंट का, तो उसको न्यू बैड डेट्स बोलेंगे क्या, हाँ कितना 1,600, इफ यू टेक द टोटल हाउ मच 2,000 आउटर में आ जाएगा, न्यू आरडीडी दिया नहीं है। नाउ 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब माइनस करना है, पेटेंट्स को हम लोग को क्या करना है बेटा, रिटर्न ऑफ। सर कितना रिटर्न ऑफ करना है, 4,000 का 1/8 मतलब डिवाइडेड बाय 8 करेगा, तो 4,000 डिवाइडेड बाय 8 कर बेटा कितना आता है बता, 500, तो कितना आएगा बेटा बाहर 3,500। सेकेंड इफेक्ट,
सर एसेट में से माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? डेबिट राइट ऑफ पेटेंट्स। सर कितना आएगा? 500। डिफिकल्टी नाउ, अ पार्ट ऑफ द फर्नीचर 10,000 वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। माय डियर अब आ जाओ ऊपर फर्नीचर के ऊपर, आपके पास टोटल फर्नीचर कितना है? सर मेरे पास टोटल फर्नीचर 26,000 का एज पर बैलेंस शीट है ना। अब इंफॉर्मेशन क्या बोलता है कि हमने इस 26,000 के फर्नीचर में 10,000 रुपए का फर्नीचर, कितने हजार का? 10,000 का फर्नीचर कभी खरीदा बेटा? 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा है। तो कैन वी से ये 6 महीने के लिए हमारे पास है, अक्टूबर से लेके मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना। अक्टूबर से मार्च 6 महीना, ओके। तो सर 26,000 में से 10,000 का नया खरीदा तो इसका मतलब बाकी का कितना बचा? 16,000। ये मेरा पहले से मेरे पास है ओपनिंग, तो ओपनिंग विल बी कंसिडर एज 12 मंथ्स, 12 महीना हमारे पास है। फिर से बोल रहा हूँ, 26,000 के फर्नीचर में 16,000 का फर्नीचर पहले से है, 10,000 का अक्टूबर में खरीदा। अक्टूबर से लेके मार्च 6 मंथ्स होता है और जो मेरा ओपनिंग है वो 12 मंथ्स के लिए आएगा। अब मैं क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा। क्या मुझे क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन में डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया है? यस, है ना। चलो 16,000 फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन बोला है? 5%। 12 मंथ्स होता 12/12, सेम 10,000 इंटू 6/12 इंटू 5%। सिंपल, दोनों पे निकाला अमाउंट अमाउंट, परसेंट परसेंट, 12 महीना 6 महीना। कैलकुलेशन करो, 2020 से कैंसिल, 12/12 से 16/5 से 80, 800 रुपये आ गया। सेम इधर 20 कैंसिल विद 20, 6 1 6 2 100 को 2 से डिवाइड तो 50 55 250। सो इफ यू टेक द टोटल 1050, डेप्रिसिएशन आ गया। कितना आ गया? 1050। तो भाई साहब डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोलेगा तो कितना अमाउंट लिखने का? 1050 लिखने का, ठीक है। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1, ऐसा बोल देते हम लोग। तो कहीं किसी को चेक करने का तो वर्किंग नोट नंबर 1 चेक कर लेने का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बोला 10%। तो क्या मैं डायरेक्टली लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कर सकता हूँ? यस, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% और डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 10% मतलब 4,400 आ गया बेटा, माइनस कर 39,600। और फर्नीचर पे तो अब भी अपन ने निकाला, कितना निकाला? 1050। चल माइनस करके दिखा कितना आएगा, 24,950। चेक करो 24,950 आ रहा है क्या माइनस करके? 24,950 आ रहा है क्या माइनस करके? ओके सर, डेप्रिसिएशन माइनस किया, सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन पहला क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? 4,400। दूसरा दिया है फर्नीचर, हाउ मच? 1050। इफ यू टेक द टोटल 5,450। डिफिकल्टी आगे बढ़ते, आउटस्टैंडिंग वेजेस बेटा, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? प्लस, हमेशा क्या करते हैं? प्लस। तो एड आउटस्टैंडिंग 600, तो 19 + 6 = 25। सर इलेक्ट्रिसिटी पे भी आउटस्टैंडिंग है तो कर दे बेटा, मना कौन किया है? 400। इफ यू टेक द टोटल 33। सर डेबिट में प्लस कर रहे हैं, सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? लाइबिलिटी। नहीं याद है फॉलो करो वही कंपलसरी रूल, आउटस्टैंडिंग एक एडजस्टमेंट है कि दो एडजस्टमेंट है बेटा? तो एक हेडिंग बना कैसा करने का, वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी। चल वेजेस कितना बोलता है? 600 और इलेक्ट्रिसिटी कितना बोलता है? 400। इफ यू टेक द टोटल, नेक्स्ट लाइन, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल इज ऑलवेज कमिंग ऑन द
क्रेडिट साइड. कैपिटल हमेशा कहां आता है? क्रेडिट में आता है. कैपिटल हमेशा कहां आता है? क्रेडिट में. तो सर कैपिटल के क्रेडिट में जा लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या बोला बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितना बोला बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3%. तो 3% मतलब यहां पर देखो 8 3 24 20 लगा दो, 4 3 12 20 लगा दो. डिफिकल्टी 1% मतलब 20 हट जाएगा, 10% मतलब 10 हट जाएगा. तो 800 का 3 से क्या, तो 2400 और 40,000 का 3% बताओ 1200. कैलकुलेट ऐसा कर सकते तुम लोग, 80,000 इंटू 3% तो 0,000 गया, 8 3 24 आ गया ना. बेसिक कैलकुलेशन है. चलो सर वहां पे क्रेडिट में आया तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट. इधर क्रेडिट है तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट. सर किसका डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दो ठो पार्टनर बा, कल्पना और बेला. कल्पना का अमाउंट बोलो बेटा 2400 और 1200. टेक द टोटल बेटा 3600. चेक करो बेटा कोई और एडजस्टमेंट बचा है क्या. सब कुछ हम लोग ने लिखा हुआ है. ऐसा कोई भी आइटम या ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट जिसके हम लोग ने इफेक्ट या पोस्टिंग नहीं की है, सब कुछ हो गया है. तो नाउ कम टू टोटल वाला पार्ट. मल्टी कलर का इस्तेमाल जानबूझ के नहीं किया क्योंकि पेपर में तुमको एक ही पेन का इस्तेमाल करने का है. ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 समय में मैंने ब्लू कलर का इसलिए इस्तेमाल किया ताकि समझ में आए कि एडजस्टमेंट कहाँ जा रहा है. बट जैसे जैसे आप लोग प्रो और मेंटोस जिंदगी में आ जाएंगे वहां पर अपने को ऐसा करने का नहीं है. ठीक है, नाउ कम टू टेक द टोटल ऑफ दिस. सबसे पहले बड़ा डेबिट का टोटल कर और क्रेडिट का टोटल करो. डेबिट का टोटल करते हैं. डेबिट का टोटल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल. तो डेबिट का टोटल करते बेटा डेबिट का 67020. ये डेबिट का टोटल है 8360. सर डेबिट बढ़ा कि क्रेडिट बढ़ा है? सर जो बढ़ा उसको दोनों साइड लिख दो. लिख दिया मालिक 83600. अब क्या करने का मालिक? छोटा वाला अमाउंट माइनस करो. सो माइनस करने के बाद सर कितना आता है? 16520. चेक करो. हाँ बेटी 16580. ओके सर, इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. सर यहाँ पे कैरी डाउन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रॉड डाउन. तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 16,580. अब क्या कर रहा है बेटा? टोटल. नाउ टेक द टोटल ऑफ डेबिट साइड क्रेडिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. डेबिट का 22,500. उसके बाद 18,200. कैसा बरोबर आ रहा है क्या? देखो जरा सर कौन सा बड़ा दिख रहा है? डेबिट साइड बड़ा लग रहा है. तो सर इधर डेबिट को ऐसा मारने का 550 आ रहा है. ओके बेटा डेबिट 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 बड़ा है. तो सर जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिखो. 22550 22550. सर छोटा क्या है? क्रेडिट वाला. तो सर क्रेडिट पर माइनस करो कितना आता बेटा? 354. तो 04 4350 आ रहे क्या बेटा? इसको क्या बोलेंगे? नेट लॉस. नेट लॉस कैरी फॉरवर्ड. सर ये किसको कैरी फॉरवर्ड होगा? कल्पना को और बेला को. सर कौन सा रेशियो में होगा? देखो जरा 2:1. तो सर डिवाइडेड बाय 3 करते हैं. डिवाइडेड बाय 3
थ्री वन जा थ्री कैरी वन, थ्री फोर जा ट्वेल्व कैरी वन, थ्री फाइव जा वन फोर फाइव जीरो आ गया, वन फोर फाइव जीरो इंटू टू टू नाइन डबल जीरो। सर इधर क्रेडिट में है, क्या करेंगे डेबिट में, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पर क्या लिखोगे डेबिट, डेबिट में क्या लिखोगे नेट लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, कल्पना 2900 और बेला 1450। टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड, सर इधर आएगा 82400, 41200। सेम टोटल सर यहाँ पर लेके जाओ, लेकर गया बेटा 41200। अब उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करने का तो आपको मिलेगा सर बैलेंस कैरिड डाउन। सर दोनों टोटल कितना होता है 5300, 24 48 है ना, तो माइनस करके लिखो 77100। चेक कर लेना बेटा बराबर रहना चाहिए, फिर 18 और 32 32 50 माइनस करो कितना 41200 में से डेबिट का 1800 और 1450 माइनस करने का, माइनस करने के बाद कितना आता है माइनस माइनस करो 41200 36 पक्का 3। अब यहाँ पे आ गया इधर 37950, इसको ऐड किया तो 115050 तो 168 हो जाएगा यहाँ पर 69050।